हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में। देखिए, इसका जो महाराष्ट्र का 28 फेब 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस थे एज इट इज़ आए हुए थे। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। ओके, तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से या फिर फार्मा का आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो ये एमसीक्यूज जो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज़। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? देखिए, एक फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। ठीक है, तो ये देखिए, फार्माकोकाइनेटिक में आप एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं ना, फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो है और टू राइट हो जाएगा, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये सब आता है फार्माकोकाइनेटिक में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सा प्लांट ड्रग यूजफुल है? ऑप्शंस देखिए, कॉल्चिसिन, गोखरू, रिवोल्फिया या एरगट। क्या हो जाएगा? कॉल्चिसिन। ठीक है, ऑप्शन वन हो जाएगा कॉल्चिसिन, जो है एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं। कॉल्चिकम ऑटियोमेल इसका सोर्स होता है, अमीनो एल्कलोइड्स में ये आता है, लिलियसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, तो इसमें कॉल्चिसिन होता है जो कॉल्चिकम के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो वो जो गाउट की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट के लिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, परमेबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। तो बायो अवेलेबिलिटी होता है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है। ओके, तो ऑप्शन थ्री जो है इसमें हमारा ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ऐसा कौन सा ऑयल है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस देखिए, कोड लीवर ऑयल, लिंसिड ऑयल, सीसेम ऑयल या हिडनोकार्पस ऑयल। तो आंसर हो जाएगा कोड लीवर ऑयल जो होता है, ऑप्शन वन हो जाएगा। कोड लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? ऑप्शंस देखिए, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, इनकी लो एबिलिटी होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड के थ्रू पेनिट्रेट करे, तो ये एबिलिटी लो होती है। या पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, ईजी परमिएशन थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर या हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल्स। देखिए, हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, रीअब्जॉर्प्शन के लिए लिपोफिलिक होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी जो लिपोफिलिक होते हैं वही क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, नॉन आयोनिक और जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है और लिपोफिलिक जो होती है वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती है, वही रीअब्जॉर्ब होते हैं, है ना। तो हाइड्रोफिलिक तो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे और ना ही ये परमिएशन होगा इनका ब्लड ब्रेन बैरियर से। तो आपका ऑप्शन वन राइट हो जाएगा, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उनको पेनिट्रेट करने की इनकी लो एबिलिटी, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है इसीलिए। ओके,
तो ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि जो एक तो नॉन जो आयोनिक फॉर्म होगी और जो हाइड्रोफिलिक होगी, ठीक है, तो वो जो होती है परमिएट नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब कि उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता और उनका परमिएशन मतलब कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपोफिलिक होना ज़रूरी होता है और नॉन आयोनिक फॉर्म होना ज़रूरी होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इनको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन सा रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जिससे फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है? ऑप्शन देखिए, सबलिंगुअल, ओरल, इंट्राविनस या इंट्रामस्कुलर। तो आंसर हो जाएगा ओरल रूट जो होता है उसे सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो फर्स्ट पास इफेक्ट आता है, ठीक है, तो आपने ऑप्शन टू राइट करना है इसका। नेक्स्ट, नीजल्स ग्रेन्यूल्स अकर इन, तो नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शन देखिए, मास्ट सेल, बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड नर्व सेल्स। तो नीजल ग्रेन्यूल्स जो है नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल कोर्टेक्स या एड्रेनल मेडुला। देखिए, एड्रेनलिन जो है और नोर एड्रेनलिन जो है ये सिक्रेट होते हैं। कहाँ से सिक्रेट होता है आपको ये बताना है, ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो होते हैं ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। कोर्टेक्स से तो जो हमारे मिनरल कोर्टिकोइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये सब सिक्रेट होते हैं, और मेडुला से जो है एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है मेडुला ही हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। बाकी इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर, ठीक है, वैसे ऑप्शन डी ही होगा इसका मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में कौन सा नहीं है? देखिए, इंसुलिन की प्रिपरेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी बार। देखिए, रैपिड एक्टिंग में आता है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आता है। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं उसमें कौन सा आता है? लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ग्लूलिसाइन है, ग्लार्गिन है, तो ग्लार्गिन नहीं आता, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लार्गिन नहीं आता। आपसे नोट पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट है, विच एंटीबॉडी वाज फाउंड एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम। सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन सी एंटीबायोटिक एंटीबॉडी की होती है? ऑप्शन देखिए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। तो ये आईजीजी जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा सीरम में इसकी कंसंट्रेशन होती है, किसकी? आईजीजी की, ध्यान रखना है ये। तो आईजीजी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कौन सा ड्रग देते हैं? तो आपको याद रखना है, इसके अंदर कार्बामाजेपिन दिया जाता है, ओके। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन थ्री जो है कार्बामाजेपिन राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन यूकेरियोट्स सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। तो यूकेरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन एंड नन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट एट ए मेजर कंसंट्रेशन। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में कौन सा जो है ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, ईओसिनोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ये पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चार बातें लिखी हुई हैं। देखिए, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, जनरली रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, या टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज। तो क्या हो जाएगा कि जो पेरेंटल होता है वो रैपिड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ना, तो ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा, यूजुअली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो पेरेंटल है वो रैपिड ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा ओरल से, तो ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें क्या इंक्लूड है? ऑप्शंस देखिए,
एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू, या प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी होता है किसमें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ऑप्शन 4 आपने राइट करना है इसका। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर। ओके अब इस क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि SSRIs में कौन सी ड्रग आती है, कौन सा है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, कौन सा है फिनाजिन, डेसिप्रामिन, मेप्रोटिलीन या फ्लॉक्सिटीन। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक आंसर बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके थैंक यू।